La 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 la. Good morning, everybody. Myself, Neena Gupta, lecturer in physics in 37 model. मैं 87 से पढ़ा रही हूँ physics. Physics मेरा favorite subject. और बच्चों की favorite मैम हूँ मैं. पूरी life मैंने अपने बच्चों के लिए एक तरह से donate ही कर दी. अपने बच्चों के लिए, school के बच्चों के लिए. बच्चा किसी भी समय आता था, मैं doubts लेती थी. But अब मुझे feel होता है कि इन सब चक्करों में मैंने अपनी सेहत बिल्कुल ही खो दी. और सेहत में मेरे को डायबिटीज़ भी हो गई, थायराइड भी हो गया, ब्लड प्रेशर भी हो गया. तो सभी लोग मुझे सजेस्ट करने लगे कि वाई यू आर नॉट, यू शुड जॉइन सम डाइटिशियन. तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि श्रिया बहुत अच्छी डाइटिशियन है. तो मैं पहली बार जब उनसे मिली तो उनकी प्यारी सी मुस्कान ने मेरा दिल चुरा लिया. और जिस तरीके से वो उन्होंने मुझे समझाया और अपनी सेहत के लिए अलर्ट किया, नो डाउट इन इट कि मैंने अपने आप में ही ये लिया डिसीज़न कि मैंने फॉलो करना ही करना है. जब मैं गई थी उनके पास तो मुझे डाउट था कि भाई मैं निभा पाऊँगी. डाइटिशियन तो बड़े सख्त होते हैं, ये खाना है, ये नहीं खाना, इतने बजे खाना है, इतने बजे नहीं खाना. बट जब उन्होंने मुझे डाइट प्लान दिया तो इट वॉज़ ईजी टू फॉलो. बहुत ही फ्रेंडली वे में वो हमसे मिले. और कभी कभी मैं चोरी भी कर लेती थी खाने की, उल्टा सीधा भी खाती थी. बट क्योंकि मैं टीचर हूँ तो बोलती सच थी, उनको बताती थी मैंने ये किया. तो वो मुझे कहती थी कि चलो अच्छी बात है आपने मुझे बताया, लेकिन ऐसे करना. इवन ऐसा भी हुआ कि जैसे बीच में कोई डाइट मैंने मिस कर दी तो उन्होंने मुझे प्यार से समझाया कि देखो मैम ऐसे नहीं करो, फिर हमें फ़ायदा नहीं होगा. तो फिर ज्वाइन करने के बाद मुझे अच्छा लगने लगा. फिर जब मुझे लोगों के कमेंट मिलने शुरू हुए तब अंदर से एनर्जी आ गई, लगा वाह मज़ा आ गया, सारे पैसे वसूल हुए. अच्छा फिर मैं एक ना किटी पार्टी में गई तो किटी पार्टी में मुझे लोगों ने कमेंट किया, नीना मैम आप श्रिंक हो रहे हो. तो तब तो मैंने ये नहीं कहा कि मैंने डाइटिशियन ज्वाइन करी है. तो मैंने कहा हाँ थोड़ा सा डाइट का ध्यान रख रही हूँ. फिर अगली बार जब किटी पार्टी में गई तो सबने मतलब बहुत ज़्यादा मुझे एडमायर किया. मैं मतलब हमेशा साड़ी पहनती हूँ तो उस दिन बाई चांस मैंने ब्लैक शिफॉन पहनी थी तो बहुत ही अच्छी लग रही थी मैं. बहुत ज़्यादा स्लिम ट्रिम, देखो 82 केजी की थी और आज की डेट में मैं 64 केजी की हो गई. और पूरा मैंने मैम का डाइट प्लान फॉलो किया, एक दिन ऑफ देती थी. तो जब वो किटी पार्टी में मैंने उन्हें बताया श्रिया मैम के बारे में तो सब बहुत खुश हुए, सबने मुझसे एड्रेस लिए. इवन मेरी यहाँ की फ्रेंड्स भी इंस्पायर होकर उन्होंने भी ज्वाइन किया और मुझे अच्छा लगा. फिर मुझे लगा कि देखो हम खाते तो सब हैं. उन्होंने कोई मेरे खाने पीने में बैन नहीं लगाया बट सही ढंग से खाना सिखा दिया कि कब खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, ये चीज़ें समझ में आ गईं. और सबसे बड़ी बात क्या थी कि मैं ना, मेरे हस्बैंड कहते थे कि तू फास्ट रखा कर, तो मैं कहती थी कि नहीं फास्ट नहीं रखना, मेरे को शुगर है, फास्टिंग अलाउ नहीं है मुझे. तो आई वॉज नॉट इन मूड कि भाई मैं फास्ट रखूँ. बट इन्होंने मुझे डिटॉक्स प्लान दिया. तो जब डिटॉक्स प्लान दिया तो वो डिटॉक्स प्लान को मैं रिलिश करने लगी. और सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात ये हुई कि डिटॉक्स का अगले दिन रिजल्ट बड़ा अच्छा आता था. तो डिटॉक्स एक तरीके से मेरी फास्टिंग भी हुई और मेरे बॉडी का डिटॉक्स भी हुआ. मेरा एनर्जी लेवल भी बढ़ा, मेरी चाल में बहुत तेज़ी आ गई, बहुत तेज़ी से चलती हूँ, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई. और सारे लोग, जब भी मैं डीपी चेंज करती हूँ अपनी, सब लोग मुझे कमेंट करते हैं बड़े अच्छे लग रहे हो, बड़े प्यारे लग रहे हो. थैंक्स फॉर श्रिया मैम, सच में बहुत अच्छा सपोर्ट उन्होंने मुझे किया. बट रियली इट इज़ वेरी गुड. और मुझे लगता है दुनिया के हर इंसान को डाइटिशियन ज़रूर फॉलो करनी चाहिए. सिर्फ इसलिए नहीं कि भाई पतले होना है, हेल्दी खाने के लिए. पता तो रहे खाना क्या है. जैसे उन्होंने मेरा टाइम बनाया हुआ है कि भाई इस समय आपका सलाद का टाइम है, सलाद लेना ही लेना है, इस समय आपने सूप लेना ही लेना है. और मैं अब इन सब चीज़ों को रिलिश करने लगी हूँ, मैंने इसको लाइफ में डाल लिया है. जैसे सुबह उठते ही ग्रीन टी पीऊँगी नींबू के साथ, तो आई लव इट. अब मुझे बहुत अच्छा लगता है. और सबसे अच्छा लगता है जब मुझे कमेंट्स मिलते हैं, मैम बड़े अच्छे लग रहे हो, थैंक यू श्रिया मैम, थैंक यू. ला 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 ला.